फ्रेंड कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं जा रही हूँ, आज अब ठंडी अधिक बढ़ने गई है। इस ठंडी में आप भी इस तरह का गर्म तेल बनाएं जो काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अगर आप इस तेल का इस तरह का तेल गर्म तेल बनाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगी इसकी। तो चलिए मैं इसे शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने 4 से 5 लहसुन को कट कर लिए हैं, थोड़े से मैंने अजवाइन लिया आधी चम्मच के लगभग, आधी चम्मच के लगभग मैंने मेथी लिए हैं। और तो चलिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ और इसे आप सबसे पहले फ्राई पैन को गर्म कर लें। इस तरह से गर्म करें, फ्लेम को धीमा ही रखें। आप देख सकते हैं मैंने तेल यहाँ पे गर्म कर दिए हैं। इस तरह से आप भी गर्म कर लें तेल को हल्के से, इसे बिल्कुल इसे चलाते रहें। लहसुन पूरे अच्छे से पकने लगे तभी आप इसमें ये अजवाइन और मेथी और ये मैंने हींग ली है चुटकी भर हींग। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का होने लगा है क्योंकि ये लहसुन भून चुका है अच्छे से। अब इसमें आप मेथी डालें, अजवाइन और तीनों को डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करें। 2 मिनट के लिए इसे झाग पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डाल करके आप शीशे के डब्बे में आप इसे अच्छे से रख सकते हैं। और आप इसे सुबह स्नान करने से पहले आप लगाएं, बच्चों को भी ये 2 बार 3 बार मालिश करें। छोटे बच्चों को अक्सर ठंडी लग जाती है, ये बहुत ही फायदेमंद है। अब ये आप देख सकते हैं कि झाग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसी तरह से आप इसे अच्छे से ठंडी होने दें और इसको आप लगभग 2 महीने तक आप इसे इस्तेमाल करें। ये ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। देख सकते हैं बिल्कुल अभी ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। इस तरह के कंटेनर में आप इसे बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लें और इसमें डाल दें। जब आपको तेल मालिश करना हो छोटे बच्चों को तो अब इसे हल्का सा गर्म करें और मालिश करें। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इस तेल को लगाने से आपको ठंडी का भी असर नहीं करेगी। आप लोग भी इसे ज़रूर आजमाएं। कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।